दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जाहिद फजल में। जी हाँ दोस्तों, आप सबको सबसे पहले तो रमज़ान की पुरखलूस दिल से मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारक आज का पहला रोज़ा। आइए दोस्तों, जिस तरह से हमने अपने चैनल पे IPL की अपडेट और मैचेस के बारे में बात करते हैं, उसी से ताल्लुक बात करते हैं। दोस्तों, अगले मैच में हमने प्रेडिक्शन दी थी कि मुंबई इंडियंस मैच को जीत सकता है, तो दोस्तों मुंबई इंडियंस मैच को जीता है। आप हमारे सभी वीडियो निकाल कर देखें, सभी वीडियो में हमने जो भी प्रेडिक्शन दी है कि जो टीम मैच जीतेंगी, हमने जो बताया है वही टीम मैच जीती है। अब तक तो हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही आई है और अब आने वाली मैच में भी हम प्रेडिक्शन करेंगे, देखना आप कि वो सही होता या नहीं। आइए दोस्तों, बात करते हैं कल की मुंबई इंडियंस और KKR के बीच खेले गए T20 मैच की। दोस्तों, IPL का मेला शुरू है। जैसे ही मुंबई इंडियंस और KKR का टॉस हुआ, KKR ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बैटिंग के लिए उतरी मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस की काफ़ी ख़राब शुरुआत रही। क्विंटन डीकॉक आज जो खेल रहे थे, जल्दी वापस हो गए, आउट हो गए। और फिर बैटिंग करने के लिए आए सूर्य कुमार यादव, और क्या शानदार बैटिंग की, अर्धशतक लगाया। रोहित शर्मा के साथ अच्छी 70-80 रनों की पार्टनरशिप की, तेज़ी से रन बनाए, बहुत अच्छी बैटिंग की। लेकिन फिर उसके बाद विकेटों की एक झड़ी सी लगी। जी हाँ दोस्तों, फिर आया एंड्री रसल जैसा तूफान, जिसने गेंदबाजी की, 2 ओवर में 5 विकेट हासिल किए, जिन्होंने सबसे तेज 5 विकेट लिए 2 ओवर के अंदर 5 विकेट। ये एक रिकॉर्ड बन चुका है IPL के इतिहास में। तो दोस्तों, इस तरह से मुंबई ने धीरे धीरे स्कोर बढ़ाया और अपना स्कोर 150 के पार किया और 153 रनों का लक्ष्य KKR के लिए रखा। KKR की टीम जब बैटिंग करने के लिए उतरी तो बहुत अच्छी शुरुआत रही। लगभग 80 रनों की पार्टनरशिप रही। ओपनर साझेदारी लिए शुभम गिल ने 30 और नीतीश राणा ने फिर से अर्धशतक लगाया। बहुत अच्छी बैटिंग की, 57 रन बनाए। लेकिन फिर उसके बाद से फिर विकेटों की झड़ी शुरू हुई KKR की ओर से और मुंबई ने बहुत अच्छा कमबैक किया। एक वक्त था कि मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 31 गेंदों में केवल 30 रनों की दरकार थी, प्रति ओवर 6 या 7 रनों की दरकार थी। लेकिन फिर आए राहुल चहर। जी हाँ दोस्तों, राइट हैंड स्पिनर, लेग स्पिनर राहुल चहर, बहुत अच्छी गेंदबाजी की, जिन्होंने 4 विकेट हासिल किए, नीतीश राणा और बहुत सारे खिलाड़ियों को आउट किया। और इसी तरह से फिर जसप्रीत बुमराह, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था, जो मैच विनर खिलाड़ी जो है, मैच विनर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, कुशल टाइम में बहुत अच्छी गेंदबाजी की। और फिर आखिरी ओवर ले गए ट्रेंट बोल्ट, 1 ओवर में 13 रनों की दरकार थी और ट्रेंट बोल्ट ने उसी ओवर में 2 विकेट दिए और केवल 3 रन दिए। इसी तरह से मुंबई इंडियंस को 10 रनों से जीत दिलाई। आइए दोस्तों, अब ये मैच तो मुंबई इंडियंस जीत चुका है, हमारी प्रेडिक्शन भी सही है। और अब अगले मैच की बात, अगले मैच है सनराइज़र हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बहुत अच्छी टीम है, मनोबल बढ़ा हुआ है, एक मैच जीत कर आ रही है, जिन्हें मुंबई इंडियंस को हराया था पहले मैच में और अब उनका सेकंड मैच हैदराबाद के खिलाफ है। हैदराबाद अपना पहला मैच हार के आ रहा है। देखना है दोस्तों, इस दोनों टीमों में से कौन जीतेगा। मेरा तो मानना यह है कि मुझे इस मैच में बेंगलोर का पल्ला भारी लग रहा है। मुझे लगता है ये मैच बेंगलोर जीतेंगी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मैंने जो भी बताया है, जो भी प्रेडिक्शन की है कौन सी टीम मैच जीतेंगी, वो सही हुई है। और मैं इस बार कह रहा हूँ कि बेंगलोर इस मैच को जीत सकता है। दोनों ही टीमें बहुत मजबूत है, जीत सकती है, लेकिन बेंगलोर का पल्ला भारी है। अब तक के वीडियो में इतना ही।